टीचर्स न्यूज नाउ यूट्यूब चैनल पर मैं अमलेंद्र कुमार आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग 3 सप्ताह की लगातार सुनवाई के बाद बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के समान कम समान वेतन के केस की सुनवाई पूरी हुई। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक व उनके परिजनों के अलावे केंद्र व राज्य सरकार का ध्यान भी सुप्रीम कोर्ट से आने वाले न्याय निर्णय पर टिका हुआ है। जो जो 10 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है, अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है। होगा भी क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आने वाले न्याय निर्णय बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों व उनके परिजनों का भविष्य तय करने वाला है। साथ ही यह फैसला बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। लगातार लगभग 3 सप्ताह के संपूर्ण सुनवाई के दौरान किए गए आकलन से यह तो तय हो गया कि नियोजित शिक्षकों की जीत होगी, किंतु यह जीत कितनी बड़ी होगी यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का न्याय निर्णय आने की प्रबल संभावना है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समान काम समान वेतन के फैसले के सूत्रधार इन 3 शब्दों से आपको रूबरू कराता हूं। ये 3 शब्द हैं वित्तीय संकट, योग्यता और वरीयता। सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय को ये 3 शब्द अत्यधिक प्रभावित करेंगे, चूँकि शुरू से ही समान काम समान वेतन की सुनवाई पहले 2 शब्दों के दायरे में घूमती रही। और 3रा शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा यह व्यक्तिगत आकलन है कि न्याय निर्णय देते समय माननीय न्यायाधीश महोदय इन 3 शब्दों को निश्चित ही ध्यान में रखेंगे। इसलिए फैसले का भी इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमकर और छनकर बाहर आने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय संकट की। दोस्तों, बिहार व केंद्र सरकार शुरू से ही वित्तीय संकट की बात न्यायालय में रखती आई है, इसलिए न्याय निर्णय में न्यायाधीश महोदय वित्तीय संकट को देखते हुए वेतन में आंशिक वृद्धि, बिना एरियर भुगतान समान काम समान वेतन इत्यादि जैसे फैसले ले सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की, जो समान काम समान वेतन के न्याय निर्णय को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाना चाहिए, किंतु उन्हें जो योग्य हैं। और न्यायालय के इस कथन से सरकारें भी सहमत दिखी, चूँकि यह शिक्षक शिक्षा समाज दोनों के लिए हितकर है, इससे शायद आप भी सहमत होंगे। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि योग्यता का निर्धारण कैसे हो। तो आप परेशान मत होइए, योग्यता का निर्धारण का भार आप न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे विचार में निश्चित ही योग्यता का निर्धारण के लिए न्यायालय के द्वारा एक विशेष परीक्षा लेकर समान काम समान वेतन देने जैसे फैसले पर अमल किया जा सकता है। अगर समान काम समान वेतन के लिए परीक्षाओं का दौर शुरू होता है तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को शायद परीक्षा देने के लिए बाध्य न किया जाए। बाकी न्यायालय के पास बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब यदि बात करते हैं वरीयता की, तो वरीयता का क्रम भी समान काम समान वेतन के न्याय निर्णय को प्रभावित कर सकती है। और वरीयता के क्रम में समान काम समान वेतन का फैसला देने से बिहार सरकार के वित्तीय संकट का भी समाधान निकल जाएगा। इसलिए वरीयता के क्रम में, जिसमें प्रशिक्षण पूरा करने के समय को केंद्र मानकर फेज वाइज समान काम समान वेतन का लाभ देने जैसे न्याय निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस संपूर्ण बातों से छनकर समान काम समान वेतन के फैसले का सारांश यह है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में आंशिक वृद्धि, बिना एरियर समान काम समान वेतन, परीक्षा लेकर समान काम समान वेतन या वरीयता के क्रम में फेज वाइज समान काम समान वेतन का न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। वैसे वास्तविक फैसला के लिए 10 अक्टूबर के संध्या तक का इंतजार अपेक्षित है। सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। यह उम्मीद किया जा सकता है कि 10 अक्टूबर की संध्या नियोजित शिक्षकों के लिए सुखद और ऐतिहासिक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। You could have loved me, and no one ever would have dared to tread.